So today, yesterday we have started with the nucleophilic substitution reaction. Of haloarenes. And what we have seen that haloarenes doesn't go nucleophilic reaction fast. What were the reasons? Abhishek, you have written. What were the reasons? The reason was resonance. The reason was polarity. The reason was sp2 hybridization. And reason was the known stability of phenyl carbocation. ठीक है, हमने बहुत सारी रिएक्शन करी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन्स की करी थी. अगेन आई रिपीटिंग, वी हैव रिएक्टेड विद एक्वस NaOH, एक्वस KOH, एक्वस OR, KCN, AgCN, AgNO2, KNO2, सो मेनी रिएक्शन यू हैव डन जहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन की हम बहुत ज्यादा जल्दी कर लेते हैं, वही हेलोअरेंज की हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी नहीं जाती फास्ट. तो हमें फास्ट करने के लिए इनको ड्रास्टिक कंडीशन देते हैं. एंड देन मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं. कौन सा कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं मुझे बताओ. हमेशा कैटलिस्ट के लिए कैटलिस्ट के ऊपर एड्सॉर्ब होना भी तो जरूरी है, कैटलिस्ट के साथ बॉन्डिंग करनी भी तो जरूरी है. सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी है. सो द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ हेलोरीन वाज आवर डाउस प्रोसेस. एंड व्हाट वी हैव सीन That अगर हम हेलो एल्केन्स को रिएक्ट करते थे तो जस्ट हम एक्वस लेते थे और ये सब्स्टिट्यूट करता था. ठीक है, मगर इसमें हमें टेम्परेचर भी देना पड़ेगा, हमें इवन प्रेशर भी देना पड़ता है कि ये रिएक्शन हो जाए. वो भी इट विल फॉर्म फिनॉक्साइड आयन फर्स्ट एंड देन गिविंग यू इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl giving you phenol, and this is one of the preparation of phenol also. इसे कहते हैं Dow's process. जब आप alcohol phenols पढ़ोगे तो ये first preparation हम करेंगे phenol की. ठीक है, अब ये जो नेमिंग रिएक्शन अगेन है तो आपने ऐसे याद करना है क्लोरो बेंजीन टू फिनॉल. नो वन विल गिविंग यू द टेम्परेचर कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन, रिएजेंट्स. यू शुड नो द नेमिंग एंड द कन्वर्जन्स. नाउ हमने ये देखा कि ये जल्दी से क्लोरीन बाहर नहीं आती, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए फास्ट नहीं जाता क्योंकि ये क्लोरीन जल्दी से बाहर नहीं जाती. हम इसको कैसे हमारा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करें, हम ऐसा क्या करें, तो हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं इनके ऊपर. अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करते क्या है, जस्ट सी वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. एंड यस्टरडे आई हैव गिवन यू, बेटे प्लीज ट्राई टू कम राइट ऑन द टाइम ऑनलाइन स्टूडेंट्स. What are the temperature conditions of the Dow's process? This. In the Dow's process, or when you are treating chlorobenzene with NaOH, what will be formed? Chlorobenzene, phenol, carboxylic acid, कुछ भी. अकेली naming नहीं आते बेटे. First try to listen. अब this is टू नाइट्रोफिनॉल. जब मैं क्लोरोबेंजीन के सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो लगा दूंगी तो ये रिएक्शन
623 की जगह पे 443 पे होना शुरू हो जाएगी, यही रिएक्शन। जितने क्वेश्चन आप ऑफलाइन आके पूछते ना, काश ऑनलाइन पूछे होते। दिस इज नॉट आवर फॉल्ट। ठीक है, दिस इज बेटे NO2, द कंडीशन बिकम लेस ड्रास्टिक। अभी कैसे समझ आएगा क्यों कंडीशन लेस ड्रास्टिक हुई है? जस्ट ड्रॉ देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। This is nitro attached at the second position of chlorobenzene. ठीक है, अगर ये क्लोरीन इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रहा है, बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज एट द ऑर्थो पोजिशन इट इज कमिंग। ओके, यस सर सिमरन। मैम आई जस्ट वांटेड टू से तुम्हारे अवेले हो के ना, आज जीरो लॉग आउट करके एक नवी आईडी बना रहा ना, आईडी चलती नहीं पई। कौन सी 10 मिनट तक कनेक्टिंग है अंदर अंदर बेटे, ये जो भी है आईडी के कारण नहीं होता, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, अदरवाइज आईडी के कारण कुछ नहीं। सारी है दे आर एडिंग द सी, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती कभी कभी, आईडी से नहीं होगा। मैं 4 बजे क्लास से बाहर निकला बेटे, आप अकेले ही हो, बाकी सारे एंटर करते हैं। नहीं नहीं ना, ये तो मंगा तुषार इज एंटर, पूछा दो तीन जनों से और तुषार, एनी प्रॉब्लम इन लॉगिंग द आईडी? नो, यू हैव लॉग्ड इन यस्टरडे, एंटर हो जाते हो क्लास में? यस दे आर एंटरिंग, एंड कनेक्शन आता था तो पता नहीं क्यों हो गए थे बेटे। आराम से होते हैं जो ऑफलाइन बैठे हैं, दे आर सेइंग दे आर एंटरिंग एट द राइट टाइम। दिस इज नॉट द आईडी प्रॉब्लम, इट इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। ठीक है, अब बेटे अगर यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप ना लगा होता तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं ये रिंग के अंदर जाते, ऐसे बनाते हो आप, मगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आए हैं ये रिंग के अंदर ना जाके इसको मिल जाते हैं और ये आगे शिफ्ट हो जाते हैं, तो आपके पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा मिलता है पहले। एक्स्ट्रा मिलता है बेटे, दिस इज नॉट एन आईडी प्रॉब्लम। आई एम कंडक्टिंग सो मेनी क्लासेस एज द सीजन इज चेंज, it might be the problem on your side. ID में क्या problem होती है? Okay, ठीक है बेटे, तो एक ये structure आप देख रहे हो extra, अगर ये नहीं होता तो ये आगे सीधा shift होता और फिर ये यहाँ पे shift होता। Next structure में यही होगा, ये वापिस आएगा, ठीक है, इसको वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको वापस मिल जाएगा और ये वापस जैसे स्ट्रक्चर बनना चाहिए ये इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा।
अब देखो एक एनओ टू की वजह से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ गया, एक एनओ टू की वजह से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ गया। अब स्ट्रक्चर बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है रिंग के अंदर चले गए, ठीक है। इसके ऊपर ये जो क्लोरी अब कार्बन है इसके ऊपर नेगेटिव चीज जल्दी अटैक करेगी, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ही OH नेगेटिव ने अटैक करना है तभी Cl ने बाहर आना है। अब क्योंकि रिंग से कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कौन खींच रहा है, NO2, ठीक है। अगर NO2 नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर नहीं जाते, नहीं जाते, ये रिंग के अंदर ही जाते। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है रिंग से कहां चले गए, बाहर चले गए। अब रिंग क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, रिंग क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, जो OH नेगेटिव है, वो आराम से आगे अटैक करेगा, ठीक है। तभी कंडीशन क्या हो जाएगी बेटे, लेस ड्रास्टिक, ठीक। अब यही NO2 अगर ऑर्थो पे है, साथ ही में पैरा पे लगा दो, तो जैसे यहां पे नेगेटिव चार्ज आने से एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बना, बना। अब जब यहां पे नेगेटिव चार्ज जाएगा तो यहां पे एक्स्ट्रा बनेगा स्ट्रक्चर, तो कंडीशन और कम ड्रास्टिक हो जाएंगी, टेम्परेचर 300 के लगभग पहुंच जाएगा, ठीक, क्योंकि उसने रिंग से और इलेक्ट्रॉन खींच लेने। जब रिंग से और इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इजिली अटैक करेगा, क्योंकि रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती जा रही है, समझ आ रही है। अगर एक और NO2 में यहां पे लगा दूं तो जैसे यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये पहले NO2 पकड़ेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज लेगा, तो यहां पे एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा एक्स्ट्रा, तो इसने और रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेने हैं। मतलब जितने आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बढ़ाते जा रहे हो, ये जो है रिएक्शन कम ड्रास्टिक होनी शुरू हो जाती है, और रिएक्शन इतनी कम ड्रास्टिक हो जाती है जब आप 3NO2 लगाते हो कि आपको NaOH देने की जरूरत ही नहीं होती, आपने सिर्फ वाटर देना और वार्म करना है और आपकी फिनॉल बन जाती है। यू हैव टू जस्ट प्रोवाइड वाटर एंड वार्म इट एंड यू विल गेट फिनॉल ओवर इट। What the point? Okay. Now, this is ortho and para position. Let it be if NO2 come at this meta position. This is a meta position. अगर मैं NO2 यहां ले आऊं, क्या फर्क पड़ेगा कुछ? क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा? NO2 यहां ले आओ तो कुछ फर्क पड़ेगा बेटे? यार इट इज NO2, क्या आपको मेटा पोजीशन पे कोई नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है आता हुआ? कैन यू सी एनी नेगेटिव चार्ज ऑन द मेटा पोजीशन? जस्ट सी, सी ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड सी ऑन द मेटा पोजीशन you can find any kind of negative charge. When electron are revolving, electron yahan aaye, yahan se yahan chale gaye, yahan se yahan gaye, yahan negative charge aaya, kya meta pe aaya, aaya nahi aaya, theek hai, ortho se seedha para position pe negative charge ja raha hai, dekho meta pe ki nahi aa raha, negative charge yahan pe hame nazar nahi aa raha। जब नेगेटिव चार्ज में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे तो NO2 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में कैसे आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर आप मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेके आ जाते हो तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। मैंने तब भी कल भी आपको यही समझाया है कि माइनस आर एंड प्लस आर मेटा पोजीशन पे नहीं लगता, इट इज ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन दैट इज अफेक्टेड ऑलवेज।
अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तब भी ऑर्थो पैरा पे बढ़ती है, अगर कम होती है तब भी ऑर्थो और पैरा पे ही कम होती है। व्हाट द पॉइंट? ठीक, मींस अगर आप डाउस प्रोसेस या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहते हो ऑफ हेलोअरेन्स, इट विल नॉट गो स्मूथली एज हेलोएल्केन्स। यू हैव टू प्रोवाइड एन ड्रास्टिक कंडीशन और यू हैव टू गिव एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, नॉट एट मेटा। मेटा विल नॉट एट सच इफेक्ट, इट इज ओनली माइनस आई इफेक्ट, माइनस आर नहीं लग रहा। हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजिशन पे आ रहा है, नेगेटिव चार्ज पैरा पे आ रहा है, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जहां नेगेटिव चार्ज मेटा पे आ रहा हो। देखो यहाँ पे नेगेटिव आया, उसके बाद नीचे चला गया, उसके बाद ऑर्थो पे इस तरफ आ गया, कोई भी मेटा पे नहीं आया। तो मेटा पे अगर नहीं आएगा तो ये खींच भी नहीं पाएगा आर के कारण, ठीक है? तो मेटा पोजिशन पे एनओ टू नहीं लेके आना, यू विल ब्रिंग एट ऑर्थो और पैरा। व्हाट द पॉइंट? सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोरीन डजंट अंडरगो सो फास्ट as there is double bond character due to resonance, as there is polarity, less polarity, as it is sp2 hybridized, as phenyl carbocation is less stable as compared to alkyl carbocation. This we have discussed yesterday and today you have find out ki ye reaction humne fast karni hai, तो हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लगाने पड़ेंगे, जैसे कि NO2। सो इट इज 2-4, कौन सी पोजिशन है ये? दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या नेम दोगे? 2, 4, 6 ट्राइक्लोरो ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन विल रिएक्ट इन द वार्म वाटर। ओके ओके, ये सब नाउ वन मोर रिएक्शन, जस्ट यू हैव टू लर्न इट। इफ यू विल टेक क्लोरोबेंजीन and you will take ammonia in the presence of cuprous oxide, see this reaction, मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। नाउ इट्स ओके, यस मैम, ओके देन, ओके। सो यू हैव टू टेक हाई टेम्परेचर एंड सर्टेनली आप हाई प्रेशर भी लोगे। देन Yesterday I have told you बेटे कि क्लोरो ग्रुप इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक ग्रुप, isn't it? क्लोरो ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जब बेंजीन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बेंजीन, बेंजीन किस टाइप की रिएक्शन जाता है बेटे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। This is chlorine attached to it.
if you want to do halogenation of this reaction, ऐसे बैठ के यू आर सिटिंग आइडियल, केमिस्ट्री नहीं आनी बेटे, समझ आनी नहीं है, बेस नहीं है, बिल्डिंग कहां से हम खड़े कर देंगे आपके लिए. बट बेटे व्हेन यू विल राइट द रिएक्शन, तो सी बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लिसन टू मी केयरफुली नाउ, इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन राइट डाउन देयर इज हैलोजनेशन, आगे भी करनी है हमने, राइट डाउन देयर इज हैलोजनेशन, देयर इज नाइट्रेशन. जब भी बेंजीन चाहे फिनॉल में बनी आएगी, चाहे वो क्लोरो हेलो अरीन्स हैं जिसके साथ सीएल लगा होगा, ठीक है, तो यू हैव टू डू दैट. तो चाहे वो कौन कौन सी रिएक्शन करोगे, हमेशा क्लोरीनेशन, हेलो इसको कहते हैं हेलोजनेशन, ठीक, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडरक्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, these are all electrophilic substitution reaction. Benzene undergo electrophilic substitution reaction, but now you are not studying about benzene in class 12. ठीक है, अब benzene के ऊपर कुछ group लगा दिए, जैसे कि जब halogenation study करते हो तो benzene के ऊपर Cl लग गया, लग गया, तो अब इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे आएगा, राइट डाउन, इन हेलो अरेंज इलेक्ट्रोफाइल विल कम एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. एंड पैरा विल बी द मेजर वन, पैरा प्रोडक्ट विल बी द मेजर वन as there is less steric hindrance at the para position. Like if you want to bring another chlorine to this benzene, this is called halogenation, isn't it? What is chlorine? Halogen. You have done P block, I think. Chlorine is a halogen. When this halogen will come, it will come ortho and para position. So it will come at this ortho or para position, and this product will be major one as it can has less steric hindrance. यहाँ पे पहले ही bead है, नया group आना है और यहाँ पे कम bead है, तो ये जल्दी बनेगा. समझ आई? वैसे आप नाइट्रेशन करते हो, नाइट्रेशन के रिएजेंट क्या हैं? HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड. नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप आता है? NO2. अगर यहां पे मैं HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड ले लूं, तो जो ये NO2 कहां आएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. और मेजर क्या बनेगी? पैरा. समझ आ रही है? इसे कहते हैं नाइट्रेशन.